पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला थाना क्षेत्र कापागोरा के एक ढाबे में साथी का जन्मदिन मना रहे बदमाशों का सामना गुरुवार देर रात पुलिस टीम से हो गया, जिससे वहां भगदड़ मच गई। इस दौरान भागने की कोशिश में बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगने की खबर है। पुलिस ने घेराबंदी कर 8 बदमाशों को दबोच लिया। इसमें मानगो के अमरनाथ सिंह गिरोह के साजन मिश्रा, नीरज भगिना समेत अन्य शामिल हैं। 2 कार, पिस्टल और कारतूस भी पुलिस ने जब्त किया है। सहयोगी कन्हैया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कन्हैया, ये पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, बदमाशों की क्या कुछ अपडेट फिलहाल इस मामले में? देखिए, घटना जो है बड़ी बात की है। एक भांतला थाना के कापागोरा एरिया में आपका भोलेनाथ ढाबा जो वहां पे बदमाशों के द्वारा बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट किया जाता, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को यह जानकारी मिली कि यहाँ पे कुछ अपराधी के लोग हैं। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, अपराधियों ने फायरिंग करना शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक अपराधी को पेट में गोली लगी है और जो बाकी 8 जो है उन्होंने पुलिस ने दर्द पहुंचा। तो क्या किसी सिर्फ एक को गोली लगी है या फिर कुछ और बदमाशों को भी गोली लगने की खबर है? जैसे अभी पुलिस की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनके कहे अनुसार कि दो अपराधियों को गोली लगी है, जिसमें से एक को पैर में गोली लगी है और एक को की पुष्टि नहीं हो पा रही है। और फिलहाल जो है ये अमरनाथ ग्रुप के गुर्गे बताए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस इस मामले में अभी तक कुछ बता नहीं रही है। और साथ ही साथ जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको जमशेदपुर लेके गया है और साथ ही साथ एक कार को भी वहां से जब्त की गई है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।